कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा घूमते हैं, अभी बाद में बैठेंगे। इधर दिखाते हैं आपको, यहाँ पे है, चालू करेंगे तो पूरा पानी निकलता है इसमें से, काफ़ी अच्छा लगता है। फिलहाल में बंद है, अब चालू करेंगे लोग। इधर का सीन आपको दिखाते हैं नेक्स्ट, इधर देखिए वो वाला जो सीन बाकी था रास्ता, उधर दिखाओ एक बार तो। हाँ, वो जो रास्ता बाकी था आपका, ऐसे उधर से वैसे आना, उसके आगे नहीं है, बस लास्ट यहीं तक है। तो इधर से घूमते हुए ऐसे आगे भी जाना अभी है, तो चूल्हा देखेंगे, सब मज़ा आ जाएगा। और इधर से रास्ता भी जाता है अंदर, इधर देख रहे हैं, मतलब ये फोटो शूटिंग के लिए बहुत कमाल की जगह है। पेड़ लगे हुए हैं सारे, वो आंवला जो होता है ना, आंवले के पेड़ हैं सब, लाइन से लगाए गए हैं। हाँ, इस पे चढ़ना ही मना है, लेकिन इस पे लोग आते हैं, काफ़ी पुराना हो चुका है, थोड़ा सा डर वाला है। सारे इक्विपमेंट मिल जाएंगे आपको देखने को, इस पे ऐसे ना चलना होता है, लेकिन काफ़ी अलग टाइप का है, पता नहीं मैं तो चल पाऊँगा नहीं। ये हमारी ओला, और आज हम लोग आए हैं घूमने ऐसी जगह पे जहाँ देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा है। इधर आपको दिखाते हैं गाड़ियाँ, ये देखिए इतनी, उधर देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा है, इधर गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। और हमको जाना है अंदर अपने, ये मऊ का हमारे लोकल चीज़ है, मतलब हम लोग नहीं कहते घर की मुर्गी साग बराबर वाला हाल है, यहीं रहते हैं बगल में और घूमने बहुत कम आते, तो आज आए हुए हैं और आपको पूरा दिखाएंगे क्या क्या यहाँ पर है। चलिए चलते हैं, तो ये देख सकते हैं कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पर, और हम लोग अभी, मैं अपने यहाँ रह करके पहली बार यहाँ पर आया हूँ, सोचिए। इधर देख सकते हैं इतनी सारी भीड़ है, और निकल गए, वो मेन गेट है जो आपको दिख जाएगा, तो एंट्री करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको अंदर का लोकेशन जो है कैसा है सारा कुछ। अभी ये गाड़ियों की भीड़ से पता चली गया होगा कितनी ज़्यादा यहाँ पे, मतलब तादाद में लोग हैं, ये देख सकते हैं। अंदर का सीन देखिए, जिसे कहते हैं घूमना, मतलब ऐसे लोग आने चाहिए। देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है, और ये मेन गेट है हम लोगों का। अंदर का लोकेशन एक बार डायरेक्ट दिखा देते, फिर पास में चल के सारा कुछ दिखाएंगे। इधर से देखिए वहां तक, दूर तक फैला हुआ है, लास्टली जो आप देखेंगे ना वहां से लेकर ऐसे घूमते हुए। पहले तो यहाँ पे हम लोग का जिम का कुछ इक्विपमेंट लगा हुआ है, उसको करके एक अलग वीडियो इसका मैं डाल दूंगा पूरा दिखा के, और ये घुमाने का अलग वीडियो होगा, तो दो वीडियो आएगा इसका। चलिए तो पहले यहाँ की शूटिंग कर लेते, उसके बाद नेक्स्ट वाली बंद कर दो इसके लिए। आपको यहाँ का क्या क्या है, एक बार इधर आइए। ये फ्लावर दिख रहे हैं आपको, महक तो नहीं है लेकिन खूबसूरती ज़्यादा है इनके अंदर में। ये वाला महकता है, ऊपर दिख रहा है ना, वो काफ़ी अच्छा महकता है। और यह पेड़ देखिए, कलरिंग भी यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको, यही लबेरिया बीमारी वाले जो होते हैं सब गोद हो देते हैं, इन लोगों का बैल बुद्धि है। ये जो बाकी देखिए कितना अच्छे से बनाया गया है इसको तिरंगे का आकार में, बट ये पागल कुछ होते हैं जो कर देते हैं, ये नहीं करना चाहिए, बेकार है। और इधर सही है, शाम का टाइम है इसलिए भीड़ इतनी ज़्यादा है यहाँ पर, बट ये ऊपर का एक बार हरियाली देखिए आप, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे सीन जो है, मतलब हरियाली बहुत ज़्यादा है, और ऑक्सीजन जिनको कम होता है ना उनके लिए बेटर है। ओसामा, ऑक्सीजन यहाँ सही रहेगा। अभी अंदर चल के देखा जाएगा अंदर का सीन क्या है। बाकी इधर पहले एक राउंड आपको घुमाते हैं, पूरा रास्ता क्रिएट किया गया इसमें घूमने के लिए। एक बात सच में, मैं पहली बार यहाँ पे आ रहा हूँ, आते जाओ। मऊ में लगभग 3 साल से रह रहे हैं, बट आ नहीं पाए थे कभी यहाँ पे। हेलो, हाँ प्रदीप, कहाँ पे हो? बात मानता हूँ, आ गए अंदर, रहने दो। ठीक, आगे दिखाते हैं, इधर देखिए, इधर दिखाओ, ये दिख रहा है आपको भीड़, ऐसा लग रहा है पार्टियाँ चल रही हैं जगह जगह पे ना, मस्त सीन है। आगे चलते हैं, आगे उधर से दिखाते हैं आपको, फिर आएंगे अंदर। अगर लोकल मऊ के कोई भी है ना तो आके घूम सकते हैं, बेटर जगह है, ऑक्सीजन की कमी तो होगी नहीं। नेक्स्ट, वहाँ पे चलेंगे दिखा, वहाँ पानी जो है ना पूरा फव्वारा गिरता है, बट फिलहाल में भी बंद है,
एक बार अंदर का इधर घुमा लेते, फिर आगे चलेंगे इधर साइड में। टाइमिंग 7 से 8 खुला रहता है लगभग, सुबह 7 बजे खुल जाता है यहाँ का। घास मस्त, तो बैठने मजा आता, देख सकते हैं। घास दिखाओ तक, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा घूमते हैं, अभी बाद में बैठेंगे, इधर दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखेंगे जो पूरा नोजल है ना, ये चलता है, बट फिलहाल में बंद है। इसका ऑपरेटर मशीन यहाँ पे है, चालू करेंगे तो पूरा पानी निकलता है इसमें से, काफी अच्छा लगता है। फिलहाल में बंद है, अब चालू करेंगे लोग। इधर का सीन आपको दिखाते हैं नेक्स्ट, इधर देखिए वो वाला जो सीन बाकी था रास्ता, उधर दिखाओ एक बार। तो हाँ, वो जो रास्ता बाकी था आपका, ऐसे उधर से वैसे आना, उसके आगे नहीं है, बस लास्ट यहीं तक है। तो इधर से घूमते हुए ऐसे आगे भी जाना अभी है, तो चलिए आगे थोड़ा घूम लेते हैं एक बार। ये तो आपने देख ही लिया पूरा इधर का, और वो वाला रास्ता बाकी उसको दिखाएंगे। स्टॉप मार, आगे आते हैं दिखाते हैं आपको। ये पाइप जो जाता है दिख रहा है ना, पानी जाता है, पूरा पानी का फव्वारा बना हुआ है। अभी ना वीडियो को आप कट मत करेगा, एक से एक सीन बाकी जो आपको दिखाना बाकी है वो दिखा रहे हैं हम, पूरा देखेंगे सब, मजा आ जाएगा। और इधर से रास्ता भी जाता है अंदर, इधर देख रहे हैं, मतलब ये फोटो शूटिंग के लिए बहुत कमाल की जगह है, दिख रहा है आपको एकदम मस्त सीन। ऐसे अगर ऐसे बैक में जाते हैं इस तरह से, तो काफ़ी दोनों तरफ पेड़ है बिल्कुल। और ये जो पेड़ है ना, ये सब इतने बड़े बड़े हो गए, लोग छोटे छोटे रहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं बड़े, ये फल फूल, मतलब इसमें फल भी आ चुके हैं छोटे छोटे से, आपको दिखेगा। इधर देखिए ये सब, मतलब कमाल का यहाँ का नज़ारा है। आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं, इधर कुछ लोग हैं जो कुछ करते रहे हैं। हाँ यार, बच्चों के लिए है यहाँ पे, ये साइड में जो दिख रहा है ना, ये मधुपालन का है, मतलब वो मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं, उनके लिए बनाया गया यहाँ पे। तो इसमें नहीं जाना है, पूरा पैक है, तो शहद निकालने के लिए अच्छा जगह बनाया गया इसको। और इधर आपको दिखाते हैं, हाँ इधर देख सकते हैं, ये जो पेड़ लगे हुए हैं सारे, वो आंवला जो होता है ना, आंवले के पेड़ हैं सब, लाइन से लगाए गए हैं। और यहाँ देखिए जो छोटे बच्चे बच्चे होते हैं उनके लिए ठीक है, मेंटेनेंस नहीं, इसलिए पुराना हो गया, ये काफी पुराना हो गया। तो ये पहले ऐसा था, उधर का पूरा मेंटेन हो गया है, ये पुराना था, फिर भी इधर लोग आ जाते हैं ठीक ठाक। हाँ ये भी सही हो जाएगा जल्दी, अभी बहुत बदलाव हुआ है इसलिए इतनी भीड़ लगती है यहाँ पे। और यह देखिए अभी ये तो ये वाला मेंटेन में है पूरा, अब हम लोग इसे क्या सरके, छोटे बच्चों के लिए ठीक ठाक है, हम तो इसे कूद ही जाएंगे। देख रहा हूँ उल्टा, मैं सोचा कि पैर सर जा, लेकिन उल्टा हो गया मैं कि हाँ बहुत ज्यादा वो नहीं रहेगा तो फिर बच्चों को चोट भी लग सकती है ना। ये छोटे बच्चों के लिए है, हेल्थ के सारे सिस्टम है, वो वाला जितने हेल्थ वाले थे ना सब उधर शुरू में लगा दिए गए थे, मैं आपको दिखाई दिया, ये बहुत पहले था ऐसे। ये भी है स्लाइडर, उधर भी है, उधर बड़े लोगों के लिए भी है, तो लाइन से लगे हुए हैं। और ये वाला देखिए कितना मस्त लग रहा है ना, पुराना हो गया लेकिन काफ़ी अच्छा है। हाँ इस पर चढ़ना ही मना है, लेकिन इस पर लोग आते हैं, काफ़ी पुराना हो चुका है, थोड़ा सा डर वाला है बट ठीक है। उधर भी है अभी बहुत सारा, आगे दिखाते एक बार। ये अप डाउन वाला यहाँ पर दिया है, सीसा इसको बोलते हैं ना, इसको इंग्लिश में सीसा बोलते हैं और अप डाउन, तो दोनों बोल सकते हैं, वो भी अच्छा है। उधर बहुत सारा आपको दिखेगा यहाँ पे, मतलब हेल्थ के सारे इक्विपमेंट मिल जाएंगे आपको देखने को। इस पर ऐसे ना चलना होता है, लेकिन काफ़ी अलग टाइप का है, पता नहीं मैं तो चल पाऊँगा नहीं चल पाऊँगा, देखता हूँ ट्राई करता हूँ। भाई थोड़ा आगे चलो, तो चार्ज ना रहा।
ये है तो खतरनाक, खतरों खिलाड़ी का अनुमान लग रहा है, मुझे लग रहा मैं गिर जाऊंगा, बट ट्राई, गिरेंगे तो ट्राई कर सकते हैं। इससे क्या होता है ना, थोड़ा हेल्थ रिड्यूस ही रहता है। अरे भाई साहब ये मुझे मुझे नहीं भी गिरना होता मैं गिर, ए यार हाँ थोड़ा सा खतरा टाइप का है बट ठीक है। हाँ पलटी नहीं, चल के जाते हैं वहाँ तक, देखते हैं क्या होता है। ये खतरनाक टाइप का है, झूल ऐसे ऐसे झूलने के ठीक ठाक है। एक बार कूदे यहाँ से, अभी ये हिल रहा है ना, थोड़ा सा डर लग रहा है, बाकी टाइम तो डर नहीं लग रहा, चल जाएंगे ऐसे चलने के लिए। ये पूरा हिलता डुलता रह रहा है, ये वहाँ से यहाँ तक आने में थोड़ा सा ठीक है। ऐसे भाई साहब बहुत मेहनत वाला काम है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है। एक उधर भी मिल जाएगा आपको देखने को, और इधर आपको देखिए, इधर दिखाते हैं आपको, उस साइड में भी है, वो सब खतरनाक खतरनाक है। आज थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं कैसा है ये। पहले बनाया गया था इसको, अरे यार गजब का है। इस पे ऐसे चढ़ना है, फिर उतरना है, फिर चढ़ना है, इतना जब करेंगे ना तो पूरी शरीर की जो हेल्थ है वो सही हो जाए। सुबह सुबह आके ये सब करना चाहिए, लेकिन ठीक है भाई ट्राई करूँगा। वैसे भी मैं बहुत ट्रेंडिंग आदमी हूँ, कुछ भी कर लेते हैं। अरे यार एक्चुअली ये सड़ गया लग रहा है, जैसे ना पुराना हो गया है, तो थोड़ा सा सोच समझ के चढ़ना है और सोच समझ के उतरना है, बाकी ठीक है। कहीं कहीं ना इसके जो राड हैं वो गल गए, पुराना हो चुका है ये, बट ठीक है। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा हमको, हाँ वही चीज, कूदू क्या करूँ, कूद जाऊँ। अरे अभी हम लोग नौजवान हैं, हो गया। अब ये दूसरा था इधर, चलिए आगे चलते, दिखा तो उधर का सीन जो बाकी है फटाफट से। वैसे इसका टाइम हो चुका है बंद होने का, 7 बजे बंद होता है, 8 बजे नहीं, 7 बजे बंद है भैया। सुबह में कितने बजे खुलता है, 5 बजे, 5 से 9, और उसके बाद बंद फिर 3 बजे, तो टाइमिंग ही आ गया ना, 5 से 9, और उसके बाद फिर खुलता है शाम को 3 बजे, और 3 से 7। अब पूरा तो मैं आपको दिखाई नहीं पाया सीन, एक बार फटाफट से उधर दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि बंद हो रहा है तो बंद कराया जा रहा है सारा। मैं एक बार घूम के फटाफट से दिखा देता हूँ थोड़ा फास्ट में, क्योंकि बहुत बड़ा है यार। 5 बजे आपको आएंगे तो बड़ा मजा आएगा, मतलब 5 बजे आके एक्सरसाइज करिए, उस वो जो फर्स्ट में दिखा रहा था, और इधर हेल्थ के लिए काफ़ी बेटर है। और ये देखिए ये है पानी वाला सीन, दिख रहा आपको, इसकी जो रंगाई भी क्या तिरंगे जैसे, ऊपर केसरिया वाइट और ये नीचे आपका ग्रीन कलर का, ये मस्त पानी। वहाँ उधर आगे फव्वारा निकलता है, फिलहाल में बंद है, वो भी काफ़ी अच्छा है। और इधर देखिए इस गार्डन का नाम रोज है, ऐसे ही नहीं है, ये सारे आपको रोज मिल जाएंगे देखते हुए, सारे गुलाब हैं। आगे आपको दिखा रहे हैं एक जगह फूल, अभी तो मैं आपको दिखाया ही नहीं, ये सारे भी रोज खिलेंगे ना तो बड़ा मज़ा आएगा। और ये देखिए इधर का, इसके बारे में तो पता ही होगा, कनेल का फूल है ये। और अब ये जो फ्लावर लगाए गए हैं ना, ये सारे खिल जाएंगे, फिर मैं आपको एक बार आके दिखाऊंगा वो। अब देखिए दूर से कितना अच्छा लग रहा है, इधर से पूरी सीन एक बार दिखा दो, वो सीन देख सकते हैं, केवल हरियाली हरियाली दिख रही है, तो मस्त है ऐसे। ये वाला फाउंटेन चलता है भैया, बंद रहता है, कब चालू होता है, अच्छा चालू नहीं है। ये वाला चलता है तो पूरा ऐसे ऊपर पानी जाता है, काफ़ी अच्छा लगेगा देखने वाला, फिलहाल में तो बंद है। और ये देखिए मेंटेनेंस काफ़ी अच्छे से इसका किया गया, रख रखाव, तब ये इतनी खूबसूरती दिख रही है आपको। और उधर मैं आपको एक बार रोज दिखा देता हूँ यहाँ का क्या कैसा है। ये इसकी बात मैं कर रहा था, देख सकते हैं, तो यहाँ से ऐसे रास्ता है जाने का, इसमें मतलब जाते तो नहीं है लोग, वहाँ खड़ा होकर फव्वारे का आनंद ले सकते हैं। इधर से देख लीजिए ये पूरा सीन है,
और वहाँ अंदर तक पूरा एकदम हरियाली हरियाली दिखती है ना, काफ़ी मस्त नज़ारा देख सकते हैं। थोड़ा सा अंधेरा टाइप का हो गया इसलिए साफ नहीं आया, लेकिन बढ़िया है। आगे मैं आपको रोज़ एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि इस गार्डन का नाम ही रोज़ गार्डन है, तो रोज़ नहीं दिखाए तो क्या दिखाए। आइए, वो आपको वहाँ दिख जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोग का टाइमिंग जो था ना वो गलत हो गया था, शाम को आए। फिर कभी दिन में आके भी एक ब्लॉगिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा कुछ दिन बाद। वैसे वहाँ चलते हैं, उधर से उधर निकल जाएंगे क्योंकि टाइम हो गया बंद होने का, तो फिर बंद भी करना है। अब तो एक्सरसाइज कर करके लग रहा है एनर्जी आ गई है, तो मज़ा आ रहा है। ये रहे सारे रोज, नज़दीक से आपको दिखाते एक बार। मतलब यार हम लोगों से केवल 2 किलोमीटर ही होगा हमारे यहाँ से, और पता नहीं कैसे हमसे छूट गया था। सोचिए बहुत दूर दूर जा चले जाते हैं, यहाँ नहीं आ पाते। ये रहे सारे रोज, और ये इतने खिले हुए लाइन से दिख रहा है, तो इस रोज गार्डन के लिए पूरे लाइन से रोज लगे हुए हैं यहाँ पे। और अभी जो उधर में दिखाया था, अभी छोटे छोटे वो जब बढ़ेंगे तो काफी मजा आएगा देखने में, सीनरी एक अच्छी बन जाएगी। तो रियल में हरियाली काफी ज्यादा है यहाँ पर, और एक एक पेड़ ऐसे छायादार है ना, मतलब देखने में इतना लग रहा है। तो सुबह में एक्सरसाइज करने के शौकीन है तो सुबह में 5 बजे वाला टाइम से आइए, 5 से 9 वाले में। और फिर अगर जॉगिंग करने के शौकीन है 3 से 7 में आ सकते हैं, इसका पूरा टाइमिंग है। उससे तो बंद गया, अब तो मैं यूट्यूबर हूँ तो बोले नहीं भैया चल गए, अभी हम लोग निकलेंगे ना तो फिर गेट भी बंद हो जाएगा, तो ऐसे खुलवा लेंगे। ठीक ठाक है यहाँ पर, ये देख सकते हैं पूरा यार। आपको ये देखने जो पेड़ दिख रहा है ना, ये ऐसे देख सकते हैं इसका, मैं नज़दीक से आपको दिखा रहा हूँ, ये जो दिख रहा है ये पेड़, और ये सारे पेड़ ऐसा लाइन से दिखाइए, ये दिख रहा है आपको। तो इसमें भाई साहब इतना आसानी से नहीं हो गया, तो मैं ऐसे लाइन से बहुत मेहनत लगा है, मतलब इसको करने में तो काफ़ी ज़्यादा समय लगा है, और उसके बाद से ये इस तरीके से दिखता है। हम लोग एकदम जस्ट बगल में है, आज मैं ऐसे ही जा रहा था, मुझे नज़र आया तो मैं कहा चलो सबको दिखाते हैं, तो ये आ गए दिखाने के लिए। आप बताइए वीडियो कैसी लगी, यहीं पर एंड करें क्योंकि काफ़ी बड़ी हो जाएगी, बहुत सारा सीन बाकी है, फिर कभी दिखाएंगे। ओके।